स्टिल जिंदा है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब इन देश विरोधी जहरीले नारों ने देश में और जेएनयू की फिजाओं में जहर घोल दिया था। और अब एक बार फिर से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सुर्खियों में है। और इस बार कारण यह है कि कुछ 40-45 साल के छात्र जो अमूमन 50 से लेकर 500 रुपए तक के दिन की शराब और सिगरेट में फूंक देते हैं, वो हर महीने हॉस्टल में रहकर 580 रुपए से ज्यादा चुकाने में असमर्थ हैं। वो सिर्फ 20 रुपए और 10 रुपए प्रति माह ही दे पाएंगे। जी हाँ, 20 या 10 रुपए प्रति माह, आश्चर्य मत कीजिए। 10 रुपए दो विद्यार्थियों की शेयरिंग वाले रूम के लिए और 20 रुपए अकेले के लिए। ये रूम चार्जेस हैं हॉस्टल के, जेएनयू के हॉस्टल के। अब तक आप सोच रहे थे कि सिर्फ संसद का खाना बेहद सस्ता है, संसद का खाना बेहद सस्ता है, तो आप गलत सोच रहे थे जनाब। हमारे एक एक खून पसीने से कमाई पाई पाई का हिसाब यहाँ पे भी लगता है। जी हाँ, जेएनयू के छात्रों को सुविधा दी जाती है कि महीने का मात्र 10 रुपया या 20 रुपया चुका कर भी आप हॉस्टल में कमरा ले सकते हैं। और कॉलेज प्रशासन का अब इसी बात पे विरोध किया जा रहा है कि फीस में बढ़ोतरी क्यों की जा रही है। इस विश्वविद्यालय के वही छात्र आज 600 रुपए के मासिक किराए का विरोध करने के लिए, 300 रुपए के मासिक किराए का विरोध करने के लिए लामबंद हो चुके हैं। जिनकी उस वक्त चूं भी नहीं निकली थी जब भारत के टुकड़े करने की अपील सीधी अल्लाह मियां से की जा रही थी। इस विश्वविद्यालय में से किसी ने भी इसका विरोध किया हो तो वो सामने नहीं आए। इस विश्वविद्यालय की शायद फिजा ही कुछ ऐसी है, हवा ही कुछ ऐसी है कि इसमें पढ़ाई कम और दंगई ज्यादा होती है। सिर्फ पढ़ाई के लिए आया हुआ विद्यार्थी यहाँ पे वो सब कुछ सीख जाता है जो उसे नहीं सीखना चाहिए, मगर सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सीख पाता। दिवाले रंगने का क्या मतलब है? किसका पैसा जाएगा? दिवाले से तो लगाएगा नहीं। दिवाले मस्जिद बना रखा है वहाँ उन लोगों ने, मजाक चल रहा है क्या? लाल किले पे लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, क्या चल रहा है भाई? ये कौन सा तुम इसमें? अरे वो तो छोड़ो, एक जगह पे लिख रखा है नक्सलवाड़ी लाल सलाम। चल क्या रहा है भाई? भाई ये मूर्ति के नीचे लिख रहा है, नेहरू की मूर्ति के नीचे तो कभी कुछ नहीं लिखा गया इतने साल में। यहाँ पे ये प्रोटेस्ट ना पूरी तरह से मुझे लगता है ना, इसमें क्या है आइडियोलॉजी है ना, लेफ्ट की आइडियोलॉजी है, राइट की आइडियोलॉजी है, तो विवेकानंद को मानते हैं राइटिश, तो लेफ्ट वालों ने भाई विवेकानंद के नीचे लिख दिया कि भाई नहीं। और उसमें यार ये क्या मतलब है भगवा जलेगा? भगवा जलेगा क्या मतलब है? भगवा जलेगा का मतलब क्या है? भगवा तो पूरा एक धर्म को रिप्रेजेंट करता है, पूरा बिल्कुल मुद्दे को पूरा। तुम अगर यही है, तुम चाह रहे हो कि हमारा मुद्दा आगे तक पहुंचे, तो तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? उनका अपना एक हिडन डिस्कोर्स है, उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहना है। कॉमन स्टूडेंट उस दिन इतने 2000 लोगों का लंच पैक करवा के पुलिस स्टेशन जाना था, पुलिस स्टेशन जाने से आंदोलन तुम्हारा सॉल्व होगा? यहाँ ये नागेंद्र सर के घर पुलिस स्टेशन गए। अरे वो जो दूसरे तीसरे दिन जब मोबिलाइज किए थे ना कि लंच पैक कर, वहाँ पे क्या काम था? पता नहीं यार, अब दिमाग नहीं है ना, बाहर जाएंगे तभी तो मीडिया में आएंगे। अरे यूजीसी जाओ, ठीक है चलो माना यूजीसी जा रहे, ठीक है तुम चलो। मैं तो कह रहा हूँ तुम मुझे कॉन्वोकेशन में वीसी गया था, तुम चलो वहाँ गए एक तरह से, चलो चलो मान लो वो भी ठीक है, लेकिन एक तरह से तुम 12 बजे तुम किसी टीचर के घर पे घुस के रात में उसके बच्चे रो रहे हैं, उसमें मन रहा था मैं प्रेग्नेंट लेडी है वो गई है उनको बचाने, उनके साथ बदतमीजी कर रहा, वो लड़की गई थी शाम्भवी उसके साथ खींचता भाई, चल क्या रहा है यार? ऐसे तमाशा करोगे तब तो कौन सपोर्ट करेगा तुम्हारे एजेंडे को? लेफ्ट राइट के डिस्कोर्स में ये लोग इतना अपना एजेंडा चलाने में लग गए ना कि किसी को इशू से कंसर्न है ही नहीं, अपना एजेंडा चलाना, अपना कैडर बनाना, बस उतने से मतलब है इनको। पढ़ाई लिखाई इनको वैसे ही मतलब नहीं। देखो होता है बैठ के बस लिटरली पता है क्या? देखो लिटरली यहाँ पे ना रियलिटी क्या है ना, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इनके कुछ लेफ्टिस्ट टीचर हैं जो हर सेंटर में बैठे हुए हैं, ठीक है। इन लोगों को कभी क्लास नहीं आना, इनकी कभी अटेंडेंस नहीं होती, इनको फिर भी ए में ग्रेड आता है। क्या आता है? ए में ग्रेड आता है इनको फिर भी। क्यों भाई? ये टीचर बैठे हुए हैं, मेहरबान है। जी हाँ, इस बार ये विरोध विश्वविद्यालय के हॉस्टल की फीस और मैनुअल में हुए मामूली से बदलाव को लेकर किया जा रहा है। इस फीस में वृद्धि के बावजूद यहाँ का किराया बाकी अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तुलना में बेहद कम है। जेएनयू की बात करें तो अकेले कमरे की फीस 20 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए का फैसला किया गया है, जिसमें अब वापस कटौती कर दी गई है। दो छात्रों या दो लोगों वाले कमरे के लिए 10 रुपए के मुकाबले अब 300 रुपए देना होगा, वो भी कम कर दी गई है। मेंटेनेंस फीस सहित नई शुल्क वृद्धि के बाद अकेले कमरे के लिए हॉस्टल शुल्क 7,200 रुपए प्रति वर्ष हो गया। हालांकि व्यवस्था शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया, वही है
प्रति सेमेस्टर मात्र 1100 रुपए है और वार्षिक शुल्क 2200 रुपए है। इसके अलावा बर्धन और समाचार पत्र के लिए अभी भी 250 रुपए और 50 रुपए सालाना देने पड़ेंगे। गौर कीजिएगा, 250 रुपए और 50 रुपए समाचार पत्र के सालाना देने पड़ेंगे, जो आप और मैं उससे शायद 3 या 4 गुना महीने के चुकाते हैं। सिंगल बेड वाले कमरे के लिए देय कुल राशि 9700 रुपए प्रति वर्ष है, जबकि एक डबल बेड वाले कमरे के लिए 6100 रुपए है। अब इसी जेएनयू के विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्र और पुलिस के जवान आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मजबूरन दिल्ली पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। पुलिस लाठीचार्ज में कई छात्रों को चोटें भी आई। कई छात्रों के सोशल मीडिया पे फोटो भी वायरल हो रहे हैं। आपने भी देखा होगा एक ऐसा ही फोटो संदीप के लुइस नाम के एक शख्स का। जी हाँ, संदीप के लुइस जो प्रदर्शन के दौरान पुलिस के डंडों का शिकार हुआ और फिर उसने एक तौलिया या मफलर या गमछा कुछ सर पे बांधा और खून की लकीरें उसके चेहरे से टपकती हुई नजर आ रही है। फोटो में लगभग उसकी हालत बेहद खराब से लग रही है, खून से लथपथ लग रहा है। ऐसा लगता है कि शायद इसकी बेहद जम के पिटाई हुई है। कोई भी आदमी इसे देख के दुखी हो जाएगा, कितनी सी पिटाई हुई है। हमने जब इस मामले में ज्यादा जानकारी हासिल करनी चाहिए तो बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि ये संदीप जेएनयू का वर्तमान छात्र है ही नहीं। किसी जमाने में जरूर पढ़ता था, मगर अब इसका जेएनयू के हॉस्टल से कोई लेना देना होना भी नहीं चाहिए। फीस बढ़ोतरी से तो कोई लेने देना होने का सवाल ही नहीं, फिर भी ये विरोध में शामिल हुआ, ये बेहद आश्चर्य की बात है। केरल का रहने वाला संदीप दिल्ली में रहता है, मूलतः केरल का निवासी है और आर्ट म्यूजियम में रिसर्चर है। फेसबुक पे इसकी जानकारी है। उसकी अगर बात करें तो वर्तमान में संदीप किरण नादार म्यूजियम ऑफ आर्ट्स में रिसर्चर का काम करता है। इससे पहले किसी जमाने में जेएनयू में रहता था, अब भूतपूर्व छात्र है जेएनयू का। इसके अलावा संदीप अमेठी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, राजा रवि वर्मा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर विजुअल आर्ट्स में लेक्चरर के पद पे भी रह चुका है। बेखौफ धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, भारत में तो सब जायज है। जापान थोड़ा ही है कि वहां पे धरना प्रदर्शन सड़क पे नहीं किया जाए। जापान में गैर कानूनी है साहब, हिंदुस्तान में तो अलाउड है। ये विरोध करने वाले भली भांति जानते हैं कि 20 रुपए महीने देकर एक अच्छे खासे कमरे पर कब्जा करना और साल दर साल फेल होते रहकर वहां राष्ट्र विरोधी अड्डे बनाए रखना निश्चित रूप से बेहद फायदेमंद सौदा है। निसंदेह 50 रुपए सालाना में अखबार पढ़ने वाले इन निखट्टू अधबूढ़े छात्रों को, अय्याशी के अड्डे जिस बना चुके हैं जिन कॉलेजेस के कमरों को, उनको ये बढ़ोतरी अखर भी रही होगी और उन्हें लगता है कि राजनीति चमकाने का एक बेहद अच्छा मौका है, इसे चूकना नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो ये सख्ती बेहद जायज और जरूरी है, ताकि आपके और मेरे दिए हुए टैक्स के एक एक पैसे का हिसाब इन निठल्लों की जेब में ना जाए, इनकी सब्सिडी पे खर्च ना हो और ना फिर से नारे लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे। अगर ऐसा है तो पुलिस की लाठी निश्चित रूप से सही है और सही लोगों पर पड़ रही है। अब जेएनयू में सिर्फ और सिर्फ शरीफाना तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए और कुछ नहीं। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। निर्मला राव को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।